हाय फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम लिच्चा पटेल। पर आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी मैं सूरत आ चुकी हूँ और मैं 19 को आई थी और 20 को मुझे बैंगलोर जाना था, पर अभी 25 को मेरे सासू जी का श्राद्ध है तो वहाँ पे भजन भी होने वाला है और जमनवार भी होने वाला है, तो मैं जा रही हूँ अभी अहमदाबाद। ध्रुव भी आने वाला है अहमदाबाद, मेरे से पहले पहुँच जाएंगे, वो फ्लाइट में आने वाला है और मैं अभी जा रही हूँ यहाँ से ट्रेन में अहमदाबाद तक। और अभी बस मैंने कैब बुक कर ली है, तो लेट्स गो। बाय बाय बाय, ये बाय बाय कर रही है। बाय बाय। तो अभी मैं बैठ चुकी हूँ कैब में और मुझे छोड़ने के लिए आ रहे मेरे पापा। और बुरा तो लगता है जब भी हम मैका छोड़ के ससुराल जाते तो बहुत ही ज़्यादा रोना आता है, और यहाँ पे मेरे पापा को देख के मेरे को भी ज़्यादा रोना आ गया। वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे क्योंकि मैं बहुत दिन से उनके साथ रह रही थी इस वजह से। मुझे भी बहुत ही रोना आ रहा था, मैं बाहर बहुत रोई। जैसे तैसे थोड़ा आंसू कम करके मैं अंदर डिब्बे में गई क्योंकि वहाँ पे भी सब लोग दिखते और मुझे थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं होता। तो गाड़ी अभी यहाँ सूरत से निकल चुकी है। बाय बाय सूरत, मिलते हैं बहुत जल्द। और अभी मेरा मूड थोड़ा ठीक किया है और अभी मैं मस्त हूँ। सूरत की एक मेरे दिल में बहुत अलग ही जगह है। सूरत को तो मैं कभी भूल नहीं सकती, वो एकदम स्पेशल है मेरे लिए। अभी मैंने इस बार चाय नहीं ली है क्योंकि अभी मैं कॉफ़ी की तरह शिफ्ट हो रही हूँ, तो ये रही मेरी कॉफ़ी और अच्छी भी थी। ट्रेन में अभी यहाँ पे बेचने के लिए आए थे तो मैंने क्यूट ये बटरफ्लाई वाली इयर रिंग्स ली है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी और मेरे कुर्ती के साथ भी सूट हो रही थी। मेरे पास वैसे भी झुमके नहीं थे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ऐसे भी लोगों के पास भी लेना चाहिए, हर बार मॉल और शॉप से लेने की ज़रूरत नहीं है। और अभी मैं पहुँच चुकी हूँ अहमदाबाद और मैंने ये कुली करवा लिया। सामान ज़्यादा था और अभी मैं जा रही हूँ मेरे घर। हाय, हेलो, हाउ। सो अभी आ चुकी हूँ मैं घर। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, बहुत दिनों बाद मिले। कितने दिन के बाद? ऑलमोस्ट 15 दिन। कितना मिस किया? बहुत 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 मिस किया। कल है मेरे सासू जी का श्राद्ध, तो कल जमणवार भी है और भजन भी है, तो कल फंक्शन है हमारे घर में, गेस्ट सब आएंगे, तो पहनना सिर्फ वाइट ब्लैक कॉफ़ी कलर ऐसे टाइप का कुछ पहनना है। और अभी हम देख रहे हैं मेरे जो भी सूट है यहाँ पर, तो ध्रुव ऊपर क्योंकि ऊपर रखे हुए हैं तो मैं तो पहुँच नहीं पाऊँगी, तो ऊपर हम सब ने देखे। और मैं जो भी शादी में लाई थी वो एकदम लाल चटाक और डार्क डार्क कलर थे, तो वो कल के फंक्शन में पहन नहीं सकते, तो अभी मेरे पास कुछ है ही नहीं। और वैसे भी मैं थोड़ी अभी मोटी भी हो चुकी हूँ तो मेरे कपड़े वैसे भी मुझे आने वाले हैं नहीं। तो मैं और ध्रुव अभी निकल चुके कुछ लेने के लिए, कुछ सिंपल सा सूट लेने के लिए। तो यहाँ पर एक हमको सबसे पहले सूट की एक शॉप दिखी और यहाँ पे 50% ऑफ भी था, तो मैंने बोला चलो यहाँ पर चलते हैं। सो अभी मैं लेकर आ चुकी हूँ सूट कल पहनने के लिए। ब्लैक कलर कॉफ़ी या फिर वाइट ही लेना था तो मुझे मिला है ब्लैक कलर का। ये है आलिया कट, अच्छी प्रिंट है, सिंपल सा था, सिंपल ही लेना था। और ये है दुपट्टा प्लेन और ये प्लेन नीचे का। और ये था 2500 का था, पर 50% डिस्काउंट था तो 1200 रुपये का पड़ा है हमको और बहुत ही अच्छा है। तो बस अभी सो जाते हैं क्योंकि कल जल्दी बहुत जल्दी उठना है। तो बाय बाय, कल मिलते हैं। The next day. हेलो, गुड मॉर्निंग। और अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, कल मैंने नया लिया था वही वाला आउटफिट मैंने पहन लिया है अभी। सो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी नीचे चलते हैं नाश्ता करने के, चाय नाश्ता करने के लिए।
सबसे पहले सबको पता ही है मैं पीती हूँ ब्लैक कॉफ़ी, तो ये मैंने पी लिया ब्लैक कॉफ़ी। उसके बाद यहाँ पे नाश्ता पड़ा था, ये फाफड़ा था और ये पॉलीथीन में कुछ था, देखते हैं क्या है। ये तो खोला भी नहीं था, पता नहीं क्या है उसमें, तो ये खोला तो इसमें निकले खमण जो मेरे फेवरेट है, मुझे फाफड़ा पसंद नहीं है, इसलिए ध्रुव मेरे लिए वो खमण लाए थे। और ये है जलेबी, अभी फटाफट नाश्ता कर लेती हूँ। सो अभी मैंने नाश्ता कर लिया है और मैं और पापा जी अभी जा रहे हैं छोटे बच्चे को कुछ चिप्स और ऐसा कुछ भी लेकर देने के लिए। और वैसे ये वाला रूटीन हमारा पहले ही था, मैं हर बार सोचती थी कि मैं शूट करूँ, पर बाद में आप सबको लगता है कि ये सब दे रही है फिर भी दिखा रही है, इस वजह से कभी शूट नहीं किया। पर आज तो श्राद्ध है, इस वजह से आज हम जा रहे हैं, उसके बाद टेम्पल जाएंगे, उसके बाद सब गेस्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो बस अभी फटाफट निकलते हैं। अभी हमने ले लिया है बालाजी का सेव ममरा और अभी हम जाएंगे, जो भी दिखेगा उनको देंगे। तो यहाँ पे से हम दाने लेते हैं और कबूतर तो खिलाते हैं, तो यहाँ पे जो लेडी है जो बेचते उनको भी हमने दिया वो सेव ममरा। उसके बाद यहाँ पे ये कबूतर है और उनको अभी फटाफट खिला देते हैं, और ये काम करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और उसके बाद वो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मैं आओ आओ करते वो वाला सीन याद आ जाता है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। अभी हम आ चुके विश्वकर्मा टेम्पल और यहाँ पे जो झाड़ू लगाते हैं उनको हमने दिया, और उनके साथ पता नहीं उनकी मम्मी थी उनको दिया। फिर यहाँ पे हम पुजारी को हर बार देते, वो भगवान को धरा रहे बाद में वो खाते, तो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे बरगद का पेड़ है और पीपल का पेड़ है, दोनों के आगे हम पानी चढ़ाएंगे और प्रदक्षिणा करेंगे, क्योंकि आज श्राद्ध है तो पितृ को भी हम याद करेंगे, पानी चढ़ा देंगे। और उसके बाद अभी ये दूसरा पानी ले लेते हैं और ये चलाएंगे हम शिवलिंग पर, क्योंकि भगवान को भी याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी चलते हैं घर, और ये है मेरे सासू जी जिनका आज श्राद्ध है और उनको अभी थाड़ धरेगा। तो ये है आज आलू की सब्जी है, चने की सब्जी, दाल राइस पापड़, फिर भजिया है, पकोड़े मतलब वो है, पूड़ी है, फिर लड्डू है, सब चीज़ बहुत ही ज़्यादा मस्त थी। अभी भगवान को भी चढ़ाएंगे और मम्मी जी को भी चढ़ाएंगे, उसके बाद जाएंगे ऊपर कौवों को खिलाने के लिए। तो घर का जो लड़का होता है वो ही खिलाता है, तो अभी ध्रुव यहाँ पर आया है और ये खिला रहे कागवास मतलब कौवों को खिला रहे हैं। अभी ये पानी डाल रहे हैं ध्रुव। अभी हम आ चुके पार्किंग में लंच करने के लिए, तो डिनर हमने पार्किंग में ही रखा है, तो अभी मैंने खाना खा लिया है, बहुत ही ज़्यादा खाना खा लिया है, तो अभी नींद भी आ रही है। और 3 बजे भजन के लिए आने वाले, टुड़की आने वाली है पूरी, तो अभी थोड़ी देर सो लिया और अभी उठ चुकी हूँ। और अभी यहाँ पर मनीषा भाभी बना रहे हमारे लिए चाय, और अभी सब आ चुके हैं भजन गाने के लिए पूरे मंडली वाले। अभी सब आ चुके हैं और बस अभी जस्ट चालू होगा भजन।
सो यहाँ पे जो भजन गाने के लिए आए थे वो सबके लिए बना रहे हैं मनीषा भाभी मस्त गर्मा गर्म चाय, और चाय के साथ थी ये पापड़ी साथ में नाश्ता करने के लिए। सो यहाँ पे जो भजन गाने के लिए आए थे वो मुझे यहाँ पर दे रहे हैं पैसे और फूल दे रहे हैं, ये जो यहाँ पे चढ़ाए थे, और उनको बोला है कि तिजोरी में रख देना, तुझे जो चाहिए होगा वो सब मिल जाएगा। सो अभी आ चुकी हूँ मैं ऊपर और भजन ख़त्म हो गया है, मस्त सब फंक्शन ख़त्म हो चुका है। तो बस ये ब्लॉग मैं यहाँ पर ही एंड कर रही हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय, लव यू ऑल।